आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शॉपसी यूज करते हो, रीसेलिंग का काम करते हो, आपका पेमेंट फेल हो गया है तो आप अपना पेमेंट कैसे ले सकते हो गाइज। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप शॉपसी ऐप ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ अर्निंग दिखाऊँगा। यहाँ पर देखो मेरी अर्निंग है और यहाँ पर मेरा लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिपॉजिट हो चुके हैं बैंक में। आपको नीचे तक दिख रहा है गाइज, ये सारे जो हैं मेरे पेमेंट हो चुके हैं, फेल एक भी नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैं अगर फेल पे क्लिक करूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पेमेंट फेल हो चुके हैं तो आपको करना क्या है और कैसे जो है आप अपने पेमेंट को रिफ़ंड ले सकते हो अपने अकाउंट में सिंपली। तो गाइज आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है अपने कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट करोगे अगर आप, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपको बस ये कहना है कि मेरे पेमेंट फेल क्यों हुए हैं और रीज़न जानना है। तो गाइज आपको अगर यहाँ पर डिपॉजिट की जगह फेल दिखाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी जो भी ऑर्डर से आपको मार्जिन मिला उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है कस्टमर केयर पूछेंगे एक ऑर्डर आईडी बताइए, तो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, ऑर्डर आईडी बता देंगे तो वो आपको कहेंगे कि किस रीजन से सेलेक्ट आपका जो पेमेंट है वो फेल हुआ है। अदरवाइज आपको अकाउंट पर आ जाना है। अकाउंट पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर एक मिनट एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। ओके गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा है माई बैंक डिटेल, तो माई बैंक डिटेल पे अगर आप क्लिक करते हो सो आपको यहाँ पर बैंक का डिटेल दिखेगा। सो अगर आपके बैंक का डिटेल भी सही नहीं रहता तो उसकी वजह से भी जो है आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, आपका पेमेंट फेल हो सकता है। सो आपको करना है क्या है, बैंक डिटेल चेक कर लेना, उसके बाद विड्रॉ करना, तो फेल होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पेमेंट फेल हो चुके हैं तो डायरेक्ट आपको जो है फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करना गाइज, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और पूरी तरह से सही हो जाएगा।